हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। आपको पता है कि आज की बड़ी खबर रीट 2021 से जुड़ा मामला लेकर आए हैं हम साथियों आपके लिए। साथियों आपको बता दें कि पांचवी बार रीट चल चुकी है, ठीक है, रीट चल चुकी है। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने खुद कहा साथियों कि एग्जाम जो है रीट के वो नहीं होने वाले, 20 जून को किसी भी हाल में एग्जाम नहीं होंगे रीट को। साथियों मैं आपको बता दूं कि भास्कर एक्सक्लूसिव की बात करें तो शेखावटी के 3.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो 1.5 साल से कर रहे हैं साथियों रीट का इंतजार। साथियों ठीक है, मैं आपको बता दूं साथियों कि रीट साल में पांचवी बार टलेगी, ठीक है, रीट जो है वो 1.5 साल में पांचवी बार टलेगी। और शिक्षा मंत्री बोले हैं कि कोरोना के चलते 20 जून को नहीं होने वाली है रीट, ठीक है साथियों। तो आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है और क्या नहीं, रीट की खबर सारी बताऊंगा साथियों आपको। मैं सीकर से खबर आई है और बड़ा सवाल आज का यही है साथियों कि रीट कब होने वाली है, रीट कब होगी, ये बड़ा सवाल है आज का साथियों। तो आगे बात करते हैं अपन, 1.5 साल से लाखों अभ्यर्थी ये सवाल पूछ रहे हैं साथियों कि हर बार एक नया जवाब मिलता है। हर साल जो विद्यार्थी है हर बार नया सवाल पूछते हैं, हर बार उन्हें नया जवाब मिलता चाहते हो, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चलता है कि जवाब गलत था। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि 1.5 साल में पांचवी बार रीट परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। और परीक्षा 20 जून को प्रस्तावित थी और अब शिक्षा राज्य मंत्री जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और ऐसे में वर्तमान हालातों को देखते हुए किसी भी हाल में रीट 20 जून को नहीं कराई जा सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा है साथियों कि इसे हम आगे खिसकाएंगे और इस पर कुछ दिनों में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि रीट 2021 से करीब 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है वो भर्ती की जानी है, ठीक है, उनकी भर्ती की जानी है। लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट व शुल्क में छूट दी थी, जिसके चलते रीट को 25 अप्रैल से आगे खिसकाया गया था और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का एक और मौका दिया जाएगा। 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन अभी तक उनकी एग्जाम बाकी है साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि रीट के लिए अभी तक 16 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और शेखावाटी से करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो 3 से 4 साल रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और EWS वर्ग के लिए एक बार और आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थी की संख्या में इजाफा होने वाला है साथियों, ठीक है, इजाफा होगा। लेकिन आपको ये बात बता दूं साथियों कि तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन परीक्षा नहीं हो रही है, ठीक है। तो तारीख पे तारीख मिल रही है, एग्जाम नहीं हो रहा है, इसके सारे क्या कारण है मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने पहले रीट 2 अगस्त 2020 को कराने की घोषणा की थी साथियों। मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने 2 अगस्त 2020 को रीट कराने की घोषणा की थी, लेकिन फिर कोविड के चलते 2 सितंबर 2020 को करवाने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ साथियों कि शिक्षा मंत्री डोटासरा ने फरवरी 2021 में रीट कराने की घोषणा की, लेकिन रीट को लेकर कई निर्णय लेने के चलते फाइल बोर्ड को नहीं भेजी जा सकी। इसके बाद विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण रीट 25 अप्रैल को कराने की घोषणा की, लेकिन महावीर जयंती व EWS वर्गों को आयु सीमा व फीस में रियायत के चलते दोबारा आवेदन लिए जाने थे। रीट 2021 को 20 जून को कराना तय किया। और छठा पॉइंट ये है साथियों कि अब कोरोना के चलते 20 जून को भी ये परीक्षा नहीं होने वाली है। तो साथियों काफ़ी इजाफा चल रहे हैं साथियों, ये बार बार पांच बार साथियों रीट की परीक्षा वो टाल दी गई है और तारीख पे तारीख मिल रहे हैं लेकिन परीक्षा का कोई नामो निशान नहीं हो रहा साथियों। कोविड के चलते कई बार परीक्षा स्थगित हुई है और कई बार और बाकी कारणों की वजह से भी परीक्षाएं स्थगित हुए। तो साथियों ये था रीट 2021 से जुड़ा हुआ मामला और रीट जो है वो 20 जून को नहीं होने वाली, आगे खिसक सकती साथियों। तो साथियों बने रहिए क्योस पर, जैसे ही कोई और सूचना आएगी हम आपको जरूर अवेलेबल करवा देंगे साथियों, आपको बता देंगे। तो साथियों बने रहिए क्योस पर और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी का बटन दबा दीजिए। तो साथियों आज का दिन आपका शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाएं साथ, धन्यवाद दोस्तों और आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों।